दिस इज ओनियन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनियन। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। झारग्राम के पांच माथा मोड़ से इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मार्च से लेके अगस्त के आज कितना हो गया, 16-17 तारीख हो गया, करीब करीब पांच महीने बाद बाइक पे सवार बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थंबनेल से टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज की डेस्टिनेशन है बेल पहाड़ी। बहुत ही अच्छा प्लेस है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। झारग्राम से निकलने के बाद पहले एक छोटा सा टाउन मिलेगा आपको, दहीजूड़ी, करीब करीब 6 किलोमीटर आने के बाद ये रहा दहीजूड़ी। एक्चुअली हम लोग भीड़ अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए सुबह सुबह निकल आए ताकि 10-11 बजे के अंदर शूट करके वापस आ सके। ब्रेकफास्ट भी साथ लेके आए हैं, पानी भी लेके आए हैं साथ, ताकि बाहर कोई खाना ना खाना पड़े। आप लोगों से भी गुजारिश है, अब जब भी इस सिचुएशन में बाहर जाएं, घर से खाना लेके जाएं और जितना हो सके भीड़ अवॉइड करें। चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी देख देख के ब्लॉग करने का मन ही नहीं करता था, फिर भी 2-3 वीडियो मैंने बनाया था घर में बैठ बैठ के। मन में ये प्लान था कि थोड़ा बहुत सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक इसका कोई सलूशन नहीं है। 2-2.5 साल 3 साल शायद लग जाएंगे, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता ये सिचुएशन ठीक नहीं होगा, ऐसे चलता ही रहेगा। करीब करीब 17 किलोमीटर आने के बाद आपको मिलेगा बिनपुर, ये रहा। और बिनपुर के बाद आपको मिलेगा सिल्दा। सिल्दा से दो रास्ते डिवाइड हो गया है, आपको जाना है बाएं तरफ लेफ्ट साइड, और राइट साइड का जो रास्ता है वो सीधा जा रहा है बांकुड़ा बिष्णुपुर। अगर आपको मुकुटमणिपुर जाना है, बांकुड़ा बिष्णुपुर जाना है, तो आपको राइट टर्न लेना है। तो ये रहा सिल्दा, यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, दाएं तरफ बांकुड़ा बिष्णुपुर और बाएं तरफ स्टेट हाईवे नंबर 5, ये पुरुलिया बांदवान रोड है, इसी से आपको बेलपहाड़ी जाना होगा। फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं बेलपहाड़ी, वो जो सामने छोटा सा टाउन जैसा दिख रहा है यही है बेलपहाड़ी। बेलपहाड़ी का अगर सभी टूरिस्ट स्पॉट को देखा जाए तो आप 3 फेज में बांट सकते हो। पहला फेज सबसे करीब जो है घाघरा ताराफेनी, और एक है लालजौल खादारानी गर्रासिनी, और तीसरा जो है ढांगी कुसुम, काकरा झोर, मयूर झरना, ये सब। यहाँ पे आपको होटल वगैरह, लॉज वगैरह, दुकान मिल जाएगा बहुत सारे। यहाँ से खागड़ा नहीं जाने के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, और सीधा जाके आप लालजौल जा सकते हो, झिलीमिली, पुरुलिया। तो फिलहाल हम लोग खादरानी गर्रासिनी एक्सप्लोर करेंगे। गांव के अंदर होते हुए
हम लोग दाएं तरफ जाएंगे, फिर वापस आके इधर से गारासिनी जाएंगे। हेलो 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 हेलो, मैं हूं निर्वाणक का दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद, करीब 4-5 महीना होगा, बहुत दिनों के बाद मैं एक छोटा सा राइड पे निकला हूं। मेरे साथ है उदय भाई मेरे साथ है उदय भाई और मैं आ गया हूं झाड़ग्राम से 36 किलोमीटर दूर बेलपहाड़ी, और मैं अभी हूँ खांदारानी लेक के एकदम सामने। ये है खांदारानी झील, और ये जो लेक है खांदारानी लेक, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स भी आते हैं, और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। इसके पास है गारासिनी हिल, वो जो दिख रहा है दूर पहाड़, तो हिल भी मिलेगा आपको, लेक मिलेगा, धागी कुसुम वाटरफॉल मिलेगा। ऐसे बहुत सारी जगह है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ये हमारा पहला स्टॉपेज है, इसके बाद जाएंगे गारासिनी हिल, वो जो दिख रहा है दूर पहाड़। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्पॉट पे जाएंगे। सैंडविच को रखिए इसलिए। यस। हाफ किलो। हाँ कौन खावे? हाँ। तो फिलहाल यहाँ का सफ़र ख़त्म करते हैं और जाएंगे वो जो हिल दिख रहा है दूर, उस पहाड़ पे जाएंगे। तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत सारे फोटोज़ भी खींच लिया। और बहुत ज़्यादा धूप निकला है, गर्मी भी बहुत लग रहा है, जल्दी से जल्दी 10 बजने वाला है, जल्दी से जल्दी तो जल्दी से जल्दी वो झील पे जाएंगे, वहाँ पे शूट करेंगे और फिर वापस घर। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो खांदारानी झील पे बहुत कुछ चीज़ प्रोहिबिटेड है, जैसे कि आप पिकनिक तो कर सकते हो लेकिन साउंड सिस्टम यूज नहीं कर सकते हो, और लकड़ी की चूल्हा यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर आप कुछ खाना वाना पकाना चाहते हो तो आपको गैस लेके आना पड़ेगा, LPG, और प्लास्टिक के कोई भी चीज़ यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि कैरी बैग, पॉलीथीन या फिर थर्मोकोल का कोई प्लेट वगैरह, ये सब प्रोहिबिटेड है। तो हम लोग इधर से आए थे, अभी जाएंगे इधर। वाह,
बाइक को थोड़ा सा इधर रख देते हैं। उसके बाद इस रास्ते से जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं गर्रासिनी हिल के एकदम नजदीक। जाएंगे इधर, ये जो रास्ता है। एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, तो नहीं नीचे। 10 बज गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। जाएंगे उधर सीधा चढ़ाई पे। ये रहा इधर का नजारा। धीरे धीरे चढ़ना है नहीं तो एकदम बांग्ला जगह बोले चित पटांग। तो वीडियो तो यहाँ तक जा देखे ही नहीं। आशा करो एक हलो भारत लगे। एक लाइक आज एख सब्सक्राइब करो नहीं कर दाओ। तो इतने टाइम तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो अच्छा तो लगा होगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, थोड़ा सा लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कोई सजेशन है अगर कुछ चीज मैं वापस जा रहा हूं बुरा भी लगा है तो वो भी बताओ कमेंट में। डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। बस साइमन गो बैक बस थोड़ा सा रिएक्शन दे दो, डिसलाइक लाइक जो भी हो। इधर से आए थे, आधे रास्ते पे ब्रेक लेने के बाद अभी जाएंगे इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा थोड़ा सा नजारा, ऊपर जाके और भी दिखाता हूँ। ये रहा वो मंदिर भोलेनाथ की। गर्रासिनी हिल टॉप, बहुत ही अच्छा नजारा है। तो ये जो हिल रेंज दिख रहा है ये दलमा रेंज का ही एक पार्ट है, झारखंड से अटैच है ये पूरा जंगल और पहाड़। बहुत ही अच्छा नजारा है, यहाँ का पूरा वादियां दिख रहा है इधर से। बहुत गर्मी है तो जल्द से जल्द ये ब्लॉग खत्म करते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। क्यों भाई? यप। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टाटा, आज के लिए इतना ही, बाय।